हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अंकिता दातेर और आज से मैं ई फ्लायर पे, जीएसटी के अंदर ई फ्लायर पे एक वीडियो सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको सीबीएसई, जो कि अब सीबीआईसी है, जिन्होंने जितने भी ई फ्लायर इशू किए हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे और हम जानेंगे ई फ्लायर में क्या क्या है और क्या होता है। ई फ्लायर एक है कॉमन मैन के लिए, जो ये बताता है, आपको बेसिक नॉलेज दे देता है कि उसमें जीएसटी के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो डेफिनेशंस यूज़ की हुई है, उनका मीनिंग क्या है, और कोई भी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है इन सिंपल टर्म्स, तो उसमें एक शॉर्ट जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो दिया हुआ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस ए फ्लायर के डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ए फ्लायर, जो है एग्रीगेट टर्नओवर का। नॉर्मल एक नॉर्मल बिजनेसमैन सबसे पहले ये सोचता है कि उसकी जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, इसमें कैसे ये इसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग हम एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में ये मानते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इसके अंदर, लेकिन जीएसटी के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो डिफरेंट है। एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग वो 7 पार्ट्स में इंक्लूडेड है इसमें। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल टैक्सेबल सप्लाई मींस जो भी सप्लाई जो टैक्सेबल है जीएसटी रिजीम में, वो सारी इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड रहेगी। लेकिन एक्सक्लूड क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा इसमें द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाई ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं किसी भी इनवर्ड सप्लाई पे, तो उस टैक्सेबल सप्लाई में वो एक्सक्लूड रहेगा। उसके बाद आता है इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड रहेगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड रहेगा, और गुड्स और सर्विस और बोथ। उसके बाद आता है इंटरस्टेट सप्लाई विद द सेम पैन नंबर। अगर आपका सेम पैन नंबर और आप डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इंक्लूड रहेगा। और जो कंपटीशन होगी एग्रीगेट टर्नओवर की, वो पैन इंडिया बेसिस पे होगी। उसके बाद है इसमें क्या क्या एक्सक्लूड और रहेगा आरसीएम की इनवर्ड सप्लाई के अलावा। इसमें सेंट्रल टैक्स जो कि सीजीएसटी है, स्टेट टैक्स एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी, और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। सेस कोई भी कंपनसेशन सेस या इंटीग्रेटेड टैक्स जो है आईजीएसटी। अगर ये आपका एक्सक्लूड रहेगा, ये सब आपके एक्सक्लूड रहेंगे। तो अब हम इन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा और क्या क्या इसमें एक्सक्लूड रहेगा। तो सबसे पहले ये एग्रीगेट टर्नओवर की इम्पॉर्टेंस क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर इम्पॉर्टेंस यहाँ पे ये होती है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो 20 लैक्स की लिमिट से डिसाइड होगा। और 20 लैक्स की लिमिट जो है उसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट आपको देखनी होगी। अगर आपका टर्नओवर 30 लैक्स है तो आप पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लैक्स है तो आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और वहीं आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो लिमिट आती है वो है 10 लैक्स। और ये जो कंडीशंस है, ये आपकी कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होती है। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये ना केवल आपके एग्रीगेट टर्नओवर में, ना केवल आपके जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे क्रूशियल रोल पे करती है, ये अगर आप अपना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, जो आता है आरसीएम को लेके। अगर आप आरसीएम के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं और आप अगर कोई टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई आप रिसीव कर रहे हैं और आपको आरसीएम के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज के डेफिनेशन में आपको आरसीएम की सप्लाई की
आरसीएम की सप्लाई की डिटेल आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करनी है, आपको नहीं देना है। जैसे कि लॉग में आपको गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस पे आपको टैक्स देना होता है, या सर्विस आपने रिसीव किया है आउटसाइड इंडिया से, या कोई अदर सर्विस है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में उस सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है जैसे कि CGST, UTGST, SGST, IGST, तो वो यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने एक्सपोर्ट की है, या कोई ऐसी सर्विसेज जो आपने सप्लाई की है एग्जेम्प्टेड है, या कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई आपने की है, आपने सेम पैन के बेसिस पे इंटरस्टेट सप्लाई की है, तो वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। उसके बाद जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें क्या है, अगर आप अपना जो एग्रीगेट टर्नओवर आप ये समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर एक स्टेट का मीनिंग स्टेट में की गई सप्लाई को आप एग्रीगेट टर्नओवर में ले सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। एग्रीगेट टर्नओवर जो डिफाइन होगा, जो कैलकुलेट होगा, वो ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा आपका। उसके बाद है एग्रीगेट टर्नओवर का है जो डिफरेंस है, ये डिफरेंट है टर्नओवर इन ए स्टेट। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करनी है अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए और एलिजिबिलिटी के लिए कंपोजिशन स्कीम में, तो उन सब के लिए जो है एग्रीगेट टर्नओवर का बहुत क्रूशियल रोल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग GST के अंदर आपको समझ में आया या नहीं आया, वो भी मुझे लिख के बताइए। और कोई आपके डाउट्स हैं एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर लिख के बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और शेयर कीजिए औरों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके कि एग्रीगेट टर्नओवर GST के अंदर क्या है। और आपने लास्ट में अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी कॉस्ट आपको इसमें बेयर नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।